हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे में वारजे एरिया में। आज हम आए हैं एक पॉपुलर स्टील की दुकान में जिसका नाम है गुरुकृपा स्टील और इस दुकान के ओनर है मिस्टर रुस्तम सोमवंशी सर। तो दोस्तों आज हम सर से स्टील के बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे स्टील का बिजनेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सर। हमारे जो व्यूअर्स है उसमें से कुछ लोग स्टील का बिजनेस करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिजनेस के बारे में। सर थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे, आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? 11 साल हो गए बिजनेस चालू करके। अच्छा। नहीं, दूसरा मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था पहला। अच्छा। उसके बाद में स्टील का बिजनेस शुरू किया मैं। अभी 11 साल चल रहा है, 11वां साल। अभी 11वां साल चल रहा है। सर अगर किसी को जैसे स्टील का नया बिजनेस शुरू करना है तो सर लाइसेंसेस वगैरह क्या क्या लगते हैं इसके लिए? लाइसेंस इसका शॉप एक्स लाइसेंस तो लगता है। हाँ। और GST नंबर भी निकालना पड़ता है क्योंकि बिगर GST का माल मिलता ही नहीं है। अच्छा। हम GST कंपलसरी निकालना चाहिए। सर जैसे कोई अगर नया स्टील का बिजनेस करना चाहता है तो सर एक अच्छा लोकेशन कौन सा होगा इसके लिए? लोकेशन तो क्या, अभी जिधर ज़्यादा काम चल रहा है, समझो वारजे बाजू कि वो दहरी बाजू, क्यों सिटी में तो स्टील का बिजनेस कोई नहीं कर सकता है। जो आउट एरिया में है उसे उधर ही कर सकता है क्योंकि अंदर स्टील का जो सब बिल्डिंग बना है तो उधर का मटर कभी घर पड़ेगा बाद में मंगाएगा। अंदर तो स्टील का दुकान नहीं है किसी का भी, ऐसा है, वो सब आउटसाइड में ही दुकान है। तो आउटसाइड में ही अच्छा स्कोप है। और सर इसमें जैसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील लगता है या बाकी काम के भी कस्टमर कोई होते हैं इसके? नहीं नहीं, खाली कंस्ट्रक्शन का स्टील है। खाली कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन का, बाकी इसको स्टील नहीं लगता ये। सर जैसे स्टील में हम देखते हैं जैसे साइजेस वगैरह होते हैं, तो सर जैसे इसमें अगर नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन से साइजेस वगैरह इसमें रखने का? साइज देखो इसमें 6 mm से 40 mm तक आता है। बराबर। तो कैसा है कि ज़्यादा हेवी काम रहेगा तो 20, 25 और 32 चलता है और 40 mm तो खाली ब्रिज को ही लगता है, बिल्डिंग को नहीं लगता है। नया बिजनेस जिसको चालू करना है उसको 8 mm से 25 mm तक रखना चाहिए। हाँ। और सर इसके लिए स्टील के बिजनेस के लिए कम से कम सर कितनी जगह लगती है? जगह के अपने ऊपर डिपेंड है, समझो एक गुंडा से कम तो लगता ही है। हाँ, मतलब 1000 square foot कम से 1000 तो कम से कम लगता ही है। जैसे सर अगर कोई ये स्टील का बिजनेस शुरू करता है तो जैसे ये जो सरिया वगैरह है इसके साथ साथ सर क्या और कोई चीज़ें इसमें बेच सकते हैं? इसमें बाइंडिंग वायर आता है, बाइंडिंग वायर रख सकते हैं अपन। अगर समझो जगह अपने पास ज़्यादा रहेगा तो सीमेंट रख सकते हैं, चौकट रख सकते हैं, चेम्बर रख सकते हैं, पाइप रख सकते हैं, वो हार्डवेयरिंग का मटेरियल भी रख सकते हैं क्योंकि लेकिन उसको जगह ज़्यादा चाहिए। और सर इसमें जैसे इस बिजनेस में जो ग्राहक होते हैं क्या ये मतलब बिल्डर्स वगैरह ही कस्टमर्स होते हैं मेन? ना ऐसा नहीं है कि बिल्डर तो मेन है, लेकिन क्या है जो छोटे छोटे घर वाले ना वो भी लेके जा सकते हैं ना सर। ऐसा नहीं कि बिल्डर से सबको घर तो सबको चाहिए तो सब लोग लेके जाएंगे, ऐसा ही। सर जैसा कोई अगर स्टील का बिजनेस शुरू करता है तो दुकान को चलाने के लिए सर कितने लोगों की मतलब कम से कम ज़रूरत होती है? कैसा है कि पहला हमने जो चालू किया था तो हम एक ही आदमी थे और एक कामगार रखा था, खुद मरीज भरता था और कामगार लेके दोनों ही भरते थे। जब भी जैसा बिजनेस बढ़ गया तो 2 आदमी रखा, थोड़ा बढ़ गया 3 रखा, अभी मेरे पास 6 आदमी है। तो सर जैसे आपने शुरुआत की है वैसे अगर 2 से 3 आदमी से अपना देश का नौजवान शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस? हाँ कर सकते हैं, ऐसा है। अभी एक कामगार भी रखेगा तो अभी समझो कि ज़्यादा गिरेगा नहीं, दोनों भी कर सकते हैं ना। अगर समझो ज़्यादा आदमी रखेंगे तो आपको परोड़ेगा कैसा? बराबर। जैसा हिसाब बिजनेस है वो हिसाब से आदमी रखना चाहिए, अगर बढ़ेगा तो 4 आदमी ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऐसा है। और सर ये जो लोडिंग करने वाले जो आपका कामगार रहते हैं उनको सर सैलरी कितनी देनी पड़ती है? अभी 2 कामगार को मेरे 16-16 हज़ार पगार है, हमाली करने वाले उसको 13-13 हज़ार पकड़ देता हूँ महीने का। और सर ये स्टील का जो मटेरियल आता है ये सरिया वगैरह ये सर कहाँ से माल आता है? ये पूरा जालना से आता है। हाँ, अभी वर्धा में फैक्ट्री है, धुले में फैक्ट्री है, अभी पुणे में भी है,
लेकिन हम कैसा ब्रांडेड माल खाली जालना से ही लाता है, काली का कंपनी का माल रखते हैं हम पूरा, क्योंकि लोकल कंपनी का माल रखते नहीं है। सर इसमें जो कस्टमर्स वगैरह जो आते हैं, क्या ये कस्टमर भी जैसे ब्रांड चाहिए जैसे राजौरी कालिका वगैरह ऐसा ब्रांड मांगते हैं सर? हमारे इधर जो कस्टमर है कालिका के अलग माल ही नहीं लेते। सर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सर, जैसे अगर कोई हमारे देश का नौजवान ये नया स्टील का बिजनेस करना चाहता है तो सर लगभग कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट इसके लिए करनी पड़ेगी? अभी के हिसाब से तो देखेंगे तो कम से कम एक गाड़ी को 8 लाख रुपये लगता है। हाँ और एक गाड़ी मतलब कि आज सुबह गाड़ी अभी 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। अभी ये तो माल पूरा उधार गया है आज, तो कल 10 लाख किधर से डालेंगे? बराबर। अच्छा बिजनेस करना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपये चाहिए। बराबर। सर जैसे अगर कोई जैसे एक गाड़ी कोई हम मंगाते हैं तो सर उसमें लगभग कितना माल लेना पड़ता है? कम से कम 12 टन से आगे कितना भी ले सकते हैं अपन, 12, 20, 30 कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 12 टन से कम नहीं मिलता माल। गाड़ी वाले भाड़े को परवाह करता नहीं ना, इसलिए 12 टन कम से कम गाड़ी वाला मंगता है। अच्छा सर अभी आपको 11 साल का एक्सपीरियंस है तो सर शुरू में जैसे आपको मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह आई बिजनेस जब आपने शुरू किया? नहीं मेरा कैसा था कि पहला टाइल का बिजनेस था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं कुछ आया, क्योंकि मेरा जान पहचान का पूरा गिरेक था। बराबर। इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और सर जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो क्या उसे ये अभी जैसे कंस्ट्रक्शन कहा तो बिल्डर लॉबी आती है, तो क्या सर उनको बिल्डर को माल देना चाहिए अगर नया बिजनेस शुरू करता है तो? माल देना चाहिए लेकिन ग्राहक आगे का कैसा है, पैसा देता है नहीं देता है, वो पहचान का चाहिए। बिगैर पहचान का माल देगा तो पैसा डूबेगा। ऐसा पैसा डूबता भी है? मतलब ऐसा डूबता भी है, 10% डूबेगा डूबता ही है पैसा, 10% पैसा डूबता। हाँ, ही है इसमें। हाँ। और सर जैसे आपने शुरू में 11 साल पहले काम चालू किया था तो सर उस वक्त सर लगभग आपने कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था शुरू में? शुरू में तो हमने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। हाँ। और थोड़ा धीरे 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 भंडार बढ़ता गया। अच्छा। क्योंकि उसमें से पैसा नहीं निकाला हमने। हाँ। तो आगे भंडार बढ़ता गया ना तो धंधा ज़्यादा हो गया। बराबर। और सर जैसे आपने ये बिजनेस नया शुरू किया था तो आपको इसमें प्रॉफिट में आने के लिए सर लगभग जैसे कितना वक्त लगा था? प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो शुरू से ही होता है लेकिन प्रॉफिट कम रहता है शुरू में। जैसे जैसा तुमको एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा तैसे तैसा आपके ऊपर डिपेंड है कितना इनकम कमाने का, क्या करने का, आपके ऊपर है ना वो सब पूरा। बराबर। और सर इसमें जैसे आपने कहा था आप जैसे कालिका स्टील का माल बेचते हैं तो सर क्या ऐसा एक ही ब्रांड का माल बेचा तो क्या मार्जिन कंपनी से ज़्यादा मिलता है? मार्जिन तो पूरा सब जगह सर का मिलता है लेकिन कैसा कि कंपनी में अपना क्रेडिट बनता है। ऐसा है, समझो अपन दूसरे कंपनी में गए, ये कंपनी में गए तो क्या उसको लगता है कि इधर का लेता है उधर का लेता है, तो अपना जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाता है। अगर एक ही कंपनी का माल लेगा तो क्रेडिट अच्छा रहेगा ना। ऐसा है, तो एक ही कंपनी का माल बेचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ज़्यादा बेहतर है। और सर इसमें जैसे उधारी लगभग कितने दिन की देनी पड़ती है जो ग्राहक होते हैं? अभी 25 दिन का टारगेट रहता है उसका। और सर जो जैसे आपने कहा जालना से आपका कालिका स्टील आता है तो सर क्या इन कंपनियों से दुकानदार को उधारी मिलती है? दुकानदार से मिलती है लेकिन उसके ऊपर वो 2% लगाते हैं 1 महीने के बाद। अच्छा। तो हम उधार कुछ भी माल नहीं लेते, बाकी सारे दुकानदार लेते हैं रेगुलर में, क्योंकि क्या फ़ायदा है कि समझो अगर कैश में मटेरियल लिया तो कंपनी 1.5% सीढ़ी देता है। अच्छा। और अगर उधार में लिया तो 1.5% सीढ़ी तो मिलता ही नहीं है लेकिन उसके ऊपर 2% लगा दें, मतलब कितना हो गया 3.5% हो गया। तो समझो अपन समझो सीढ़ी में माल लिया तो समझो 10-20 पैसा सस्ता माल बेचेंगे तो भी पड़ोड़ते ना आप लोगों दूसरे दुकानदार से, वो कंपनी भी उधार देता है लेकिन 2% लगाता है 1 महीने के बाद 25 दिन के बाद। सर अगर कोई नया स्टील का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सर क्या इसके लिए कुछ सीखना वगैरह जरूरी है, एक्सपीरियंस लेना जरूरी है दुकान शुरू करने के लिए? नहीं, एक्सपीरियंस थोड़ा चाहिए ये, अगर उठ सुट कोई करेगा तो कैसा चलेगा, उसको मालूम तो चाहिए ना क्या करना क्या नहीं है, कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसमें का कुछ तो भी मालूम होना चाहिए तभी बिजनेस करनी, नहीं तो आपको लॉस जाएगा बिजनेस। ऐसा ही। फिर भी सर कितने दिन का एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कम से कम सीखने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो 1 दिन का भी ये नहीं है। मैं क्या हमारे बिल्डिंग में आदमी रहता था उसके साथ बैठ बैठ के मैं सीख गया, मतलब सीख उधर बैठा भी नहीं था, वो कैसा क्या करता है क्या नहीं, वो खाली देख के मैं इधर डाल दिया, 1 दिन का भी ये नहीं मुझे एक्सपीरियंस। सर आपने शुरू में जैसे
जैसे मार्केटिंग वगैरह की थी जब आपने बिजनेस शुरू किया? कुछ नहीं, मेरा पहला टाइल का मैं कॉन्ट्रैक्टर था, उसको जो मेरा कस्टमर था, ग्राहक मैं पहचान का, उसको ही माल देता मैं। अभी तो ऐसा है कि वो बहुत पहचान के ग्राहक है, इसलिए बाहर का ग्राहक ही नहीं लेता है। और इसके रेट जैसे हर रोज बदलता रहता है रेट इसका? हर दिन बदलते है, हर दिन 11 बजे रेट आते हैं पूरे जालना से, और कभी कभार दिन में 4-4, 5-5 टाइम भी रेट बदलते हैं। समझो मार्केट में सब्जी ज़्यादा आया तो कैसा होता है कि मार्केट गिरता है, वैसा उधर ऑर्डर ज़्यादा आया तो मार्केट चढ़ता है उधर का, तो रेट बढ़ते हैं, और 5 बजे मार्केट क्लोज करते हो, फिर किसी का ऑर्डर ही नहीं लेती। तो इसमें आपको जालना में पहले ऑर्डर देनी पड़ती है? हाँ, जालना में पहले ऑर्डर देनी पड़ती है। और उसके कितने दिन बाद माल मिलता है? 11 बजे ऑर्डर दिया, 2 बजे दिया तो गाड़ी भरता है, और सुबह 6 बजे की तो गाड़ी आता है। सर जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि हर किसी के पास दुकान होता है नहीं होता है, लोग किराए का दुकान लेते हैं, तो सर अगर कोई किराए का दुकान लेके ये बिजनेस शुरू करता है? अभी ये तो मेरा किराए का ही दुकान है। आपका भी किराए का दुकान है अभी? तो सर लगभग कितना किराया होना चाहिए? लगभग ऐसा कैसा है कि वो एरिया के ऊपर डिपेंड है। बराबर, समझो मार्केट में रहेगा तो सब अपना अपना सिस्टम रहता है ना, कि बाबा 10,000 लेना है कि 20,000 लेना है, वो मालिक का ही है ऐसा है। पर फिर भी अगर अच्छा लोकेशन मिलता है तो सर 15 से 20 हज़ार रेंट मतलब उतना चल सकता है? 15 से 20 तो तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन 20-25 के आगे ही। तो सर 20-25 में ये बिजनेस मतलब खर्चा निकल जाएगा? निकल जाएगा, अगर ग्राहक रहेगा तो। अगर ग्राहक नहीं रहेगा तो कैसे निकलेगा? बराबर, ऐसा ही। और सर इसमें जैसे इस बिजनेस में कोई ऑफ सीजन वगैरह रहता है जहाँ पे जैसा धंधा होता नहीं है? नहीं, ऑफ सीजन मतलब कैसा होता है कि पितर पण दौड़ा आया तो उतना ही 15 दिन थोड़ा ऑफ सीजन रहता है, नहीं तो साल का 12 महीने सीजन ही सीजन है, क्योंकि हर आदमी को घर ये कंपलसरी है। बराबर, घर बांधना जरूरी है ना, जैसा खाना जरूरी है वैसा घर बांधना जरूरी है। सर मैंने मतलब एक्चुअली जब मैंने घर बनाया था तो मैंने थोड़ा नोटिस किया था कि दुकान के रेट में 30-40 पैसे का फर्क होता है। हर आदमी का धंधा करने का तरीका अलग रहता है। मैं 10 पैसा कमाऊंगा, ये उधर जाएगा तो वो 20 पैसा कमाएंगे, ऐसा है। समझो ये 10 रुपये का माल है तो मैं इसको 11 बेच सकता है, वो 12 में भी बेच सकते हैं, जैसे गिरेगा वो बेच सकते हैं ना, ऐसा है। और सर जैसे इसमें लगभग अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो प्रॉफिट कितना मिलता है? प्रॉफिट कैसा है, ये स्टील का बिजनेस खाली 50 पैसे के ऊपर बिजनेस है, लेकिन इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है इसलिए वो चलता है, नहीं तो 50 पैसे के ऊपर बिजनेस नहीं है, ऐसा है। सर जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे आपने भी कहा आपकी किराए की दुकान है, जैसे सर अगर कोई 25,000 रुपये किराए की दुकान पे शुरू करता है बिजनेस और एक आदमी उसके पास काम पे, तो सर दुकान का खर्चा निकालने के लिए, नुकसान से बाहर आने के लिए सर कितना बिजनेस होना चाहिए महीने का? कम से कम महीने का बिजनेस तुमको 15-16 लाख का बिजनेस चाहिए, तभी तो तुम खर्चा पानी ये हो कर सकते, तो उसके नीचे आएगा तो खर्चा नहीं निकलेगा। बराबर सर, जैसे हमारे देश का नौजवान नया स्टील का बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसमें सफल होना है सर, जैसे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सर किस तरह से काम करना चाहिए? जैसे आपने काम किया, इतनी सफलता हासिल की, वैसे करने के लिए क्या करना चाहिए सर? कैसा है कि बिजनेस करते टाइम जब भी पहला बिजनेस करते थे, अपना जबान अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए वो ग्राहक ज़्यादा आए अपने पास। अगर समझो तुम्हारा जबान नहीं अच्छा नहीं रहेगा तो कैसा है, ग्राहक एक देवता रहता है, तो अगर वो ग्राहक को अच्छा बात करेगा तो ग्राहक आएगा ना ज़्यादा, तो ग्राहक आएगा तो आप धंधा ही बैठेगा, धंधा बैठेगा 2 पैसा मिलेगा, ऐसा है। सर थोड़ा एक आखिरी सवाल लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि सर जैसा अगर कोई ये नया बिजनेस शुरू करता है और सर ये जैसे बिजनेस अच्छा चलता है तो सर लगभग कितना पैसा इसमें मिल सकता है अगर अच्छा चलने के बाद? अच्छा चलने के बाद कम से कम तुम 1-1.5 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं इसमें, लेकिन अच्छा चला तो, क्या अपने ऊपर डिपेंड है वो कि ग्राहक ज़्यादा होगा तो 1 लाख मिलता, 2 भी लाख मिलता है, और समझो एक दिन में कभी 10,000 भी मिलता है, कभी भवानी भी नहीं होता है, ये धंधे का ऐसा रहता है, लेकिन लॉस तो नहीं होता है, लॉस तो ऐसा है। समझो एक दिन नहीं मिलेगा तो एवरेज पकड़ के तुम महीना 1-1.5 लाख कमा सकते हैं ना, ऐसा है। बराबर, और सर जैसा अगर कोई, जैसा अभी आपको इतना एक्सपीरियंस है, नया दुकान अगर कोई चालू करता है तो सर लगभग कितना टाइम लगेगा सेट होने के लिए? 1 साल तो कम से कम जाएगा। स्टील का बिजनेस करना ये सादी गोष्ट नहीं है, स्टील का मतलब कैसा, इसका भांडवल ज़्यादा लगता है और भांडवल वाला आदमी उसको लगता है। और सर ये जैसे स्टील अगर जल्दी बिका नहीं तो क्या खराब वगैरह होता है? ना, कुछ खराब नहीं होता है, ऐसा मतलब ऐसा दिखता है कलर थोड़ा सा जंग लगे जैसे। नहीं, अभी साइड पे गया समझो तो पानी बिल्डिंग को मारते ना, वो छींटा उड़ गया तो भी लाल पड़ता है, वो लोग खराब नहीं होता है, कलर
बदलता है लेकिन खराब नहीं होता है। बराबर। और ये बाइंडिंग वायर जैसा आपने बताया, ये भी क्या उधर से ही आता है, जालना से ही आता है? नहीं, जालना से आता है लेकिन हम जालना से नहीं लेते, ये रायपुर से लेते हैं हम। इसमें लगभग सर कितना परसेंट मिलता है बाइंडिंग वायर में? इतने क्या 3-4% मिलता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।